मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंख ध्वनि व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद विकास एवं सुशासन के मुद्दे पर 6 फरवरी रविवार को अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में लोक कल्याण के जो 212 संकल्प लिए थे, 5 वर्ष के दौरान एक एक कर उन सभी को मंत्र मानकर पूरा किया। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बनाए गए भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर के शुभारंभ के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने सुरक्षा, महिला कल्याण, अन्नदाता, किसानों के उन्नयन, नौजवानों को रोजगार, गाँव व शहरों के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप प्रदान किया है। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार के कार्यों के चलते पूरे प्रदेश में, चाहे वह पूरब हो या पश्चिम, जनता का भारी समर्थन और आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश को सत्ता के संरक्षण में माफियाओं, गुंडों ने जकड़ लिया था। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार ने प्रदेश को माफिया व गुंडा राज से मुक्ति दिलाई है। सुरक्षा का माहौल बना तो बेटियां स्कूल जा रही हैं, बहन माताएं सम्मान से जी रही हैं। सुरक्षा के वातावरण से प्रदेश में निवेश और निवेश से रोजगार के अवसर तेजी से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में दो तरह का पलायन होता था, माफिया राज होने से व्यापारियों का और रोजगार के अवसर ना मिलने से युवा प्रतिभाओं का। भाजपा सरकार में दोनों तरह का पलायन रुका है। व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले गुंडे व पेशेवर माफिया आज कानून के भय से खुद पलायन कर गए हैं, जबकि व्यापारी और युवा यहीं रहकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 2004 से 2014 के बीच देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित में किए गए कार्यों से इस पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी प्रदेश की सरकार किसान हित वाली केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती थी। इसके चलते किसान खेतीबाड़ी से भाग रहा था, बिचौलिया एमएसपी का लाभ लेते थे, जबकि किसान वंचित रह जाता था। कई साल तक गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान नहीं मिला। अन्नदाता सिंचाई के लिए परेशान रहता था। सिंचाई की परियोजनाओं दशकों से लंबित थी। 2017 के पूर्व पूरे यूपी में बिजली ना मिलने से भी सिंचाई प्रभावित होती थी। आज सबको पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिल रही है। प्रदेश सरकार ने 12,01,000 अतिरिक्त मजरों का विद्युतीकरण कराया है। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ रही है, तो बाढ़ सागर परियोजना मिर्जापुर प्रयागराज को तथा अर्जुन बांध परियोजना बांदा, महोबा, हमीरपुर जैसे बुंदेलखंडी जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने 30 वर्षों से लंबित सिंचाई की 18 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है। इससे 21 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचन क्षमता का विस्तार हुआ है। किसानों के हित के लिए सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने खेतों में ही गन्ने पर आग लगा देता था, पर भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान यह नौबत नहीं आई। जब तक एक भी खूंट गन्ना किसान के खेत में रहा, तब तक हमने सभी 119 मिले चलाई। भाजपा सरकार ने 1.57 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। पूर्व की सरकारों ने 29 चीनी मिलों को या तो बंद कर दिया था या बेच दिया था। हमने बंद मिलों को चलाया। मुंडेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलें खोली तो आजमगढ़ समेत अन्य जिलों की क्षमता का विस्तारीकरण किया। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का रस से सीधे एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर वन है। सरकार ने कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी इस वर्ष 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया है, जबकि गत वर्ष 66 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई थी। सीएम ने कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार ने पहला निर्णय ही 86 लाख किसानों की 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का किया। प्रदेश में 2.54 करोड़ किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों का पेंशन बंद कर अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को दे दिया था। हमारी सरकार आई तो पूछा कि समाजवादी पेंशन पाने वालों का समाज में योगदान क्या है, यह स्पष्ट कर दिया कि थानों की दलाली करने वालों, तहसीलों को गिरवी रखने वालों को गरीबों का निवाला नहीं खाने दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में प्रदेश का खजाना सैफई में महोत्सव के नाम पर लुटाया जाता था, अब यूपी में स्थापना दिवस का समारोह विकास की गाथा प्रस्तुत करता है। अयोध्या के दीपोत्सव, वृंदावन बरसाना के रंगोत्सव, काशी के देव दीपावली और प्रयागराज का भव्य दिव्य कुंभ प्रदेश की पहचान बन पर्यटन और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में रोजगार की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बीते 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सपा बसपा की सरकारों में 10 साल में मिलकर सिर्फ 1,90,000 सरकारी नौकरी दी थी, वह भी पैसे के लेन देन से। सुरक्षा का माहौल बनने से निजी क्षेत्र में व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, संजय मयूख, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, समीर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। कर दिया गया है। मैं आपको करूंगा कि सीधे मंच पर आ जाए। मीडिया सेक्टर में प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी, क्षेत्र में उनका प्रवास चल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री पत्रकार बंधुओं को हम लोग को संबोधित करें आज इस कॉन्फ्रेंस में। गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर के भाई मोबाइल नीचे कर लो आज। अरे जगदम्बा भाई शुभारंभ पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, और इस मीडिया सेंटर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और अन्य सबका सानिध्य भी बराबर यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। हमारे क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव है। छठवें चरण में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में चुनाव संपन्न होने हैं और इसके उपरांत 7वें चरण में शेष अन्य चुनाव, 7वें चरण के चुनाव के साथ काशी क्षेत्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों के साथ ही चुनाव भी होंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद,
विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जब 2017 में 45 राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। पलायन दोनों प्रकार से था, एक माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था, दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहाँ का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया, उसका प्लान तैयार किया। वो प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों को उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपसिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे, मर रहे लोगों को आंखों की आंखों से देखा था और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं
इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है, और हर महामारी इस बात का सबूत हम सबके सामने छोड़कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से कोई मौत नहीं होती, 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की उपलब्ध करा रही है। किसान आत्महत्या करता था 2004 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार ने, उस समय की प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, खेती बाड़ी से भाग रहा था, उसकी उपज का उचित दाम उसे नहीं मिलता था, बिचौलिए बीच में आकर के MSP का लाभ ले लेते थे, किसान वंचित रहता था, कर्ज तले दबता था, गन्ना किसानों का कई कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, किसान सिंचाई के लिए तड़पता था क्योंकि बिजली रहती नहीं थी, दशको पूर्व बनी सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, पूरी नहीं हो पाती थी। आज 2017 में, मार्च 2017 में प्रदेश में सत्ता में आते ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अप्रैल 2017 से गांव हो या शहर विद्युत की आपूर्ति समान रूप से किया है, पर्याप्त बिजली सबको, बिजली निर्बाध बिजली प्रदेश के अंदर दी है, 1,21,000 मजरों तक अतिरिक्त विद्युतीकरण का कार्य भी किया, और यही नहीं 1,45,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए, किसान को भी पर्याप्त बिजली मिली। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ रही है, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, बाण सागर परियोजना ये मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ रही है, अर्जुन सहायक परियोजना बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, इन जनपदों को जोड़ रही है। ऐसी लगभग 18 बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं जो कम से कम 30 साल से लेकर के 40 साल पहले जिनकी कार्य योजना बनी थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, हमने उन्हें पूरा किया। 21,00,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी दी। सपा बसपा की सरकार में 10 वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति हर व्यक्ति जानता है, चीनी मिलें बंद होती थी, किसान तबाह होता था, खेतों में गन्ने पर आग लगाई जाती थी, लेकिन मैं कह सकता हूं 5 वर्ष में किसी खेत पर आग लगाने की नौबत नहीं आई। जब तक किसान के खेत में गन्ने का एक भी फूट खड़ा था तब तक चीनी मिलें चलती थी, चली है। 119 चीनी मिलें कोरोना काल खंड में भी हम लोगों ने चलाई। अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया। पिछली सरकारों ने 29 चीनी मिलें बंद की, बेची,
हमारी सरकार में चीनी मिलें बेची नहीं गई, बल्कि बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया। पिपराइच में नई चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगी, आजमगढ़ में एक नई चीनी मिल, जो पुरानी चीनी मिल था उसमें हम लोगों को एक नया प्लांट डाल करके उसकी क्षमता का विस्तारीकरण किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार को लिखा। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने गन्ना किसानों को हितों को ध्यान में रखकर के इसकी सुविधा दी, और आज देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका लाभ सीधे सीधे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी मार्च 2017 में हमारी सरकार लेके आई थी। इस वर्ष भी हम लोग कोरोना काल खंड के बावजूद धान का क्रय इस वर्ष भी 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय कर चुके हैं। विगत वर्ष हमने 66 लाख मीट्रिक टन क्रय किया था। ये कभी नहीं होता था, पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जा रहा है। यानी सरकार गरीब कल्याण के लिए, पिछली सरकार आपने देखा होगा वृद्धजनों का पेंशन रोकती थी, विधवा महिलाओं का पेंशन रोकती थी, दिव्यांगजनों को 300 रुपए पेंशन मिलती थी वो भी रोकती थी, और इस पैसे को उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को एक समाजवादी पेंशन देकर के उधर डाइवर्ट कर दिया था। मैंने कभी समाजवादी क्या होता है, उन्होंने कहा नहीं समाजवादी पार्टी के कैडर हैं उनको पेंशन। मैंने कहा उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए, क्या ये निराश्रित हैं, क्या ये दिव्यांग हैं, क्या ये विधवा हैं, क्या इन्होंने किसी एक कार्य में योगदान दिया हो, कोई विशिष्ट योगदान हो, कोई खिलाड़ी हो, तो एक ही चीज के खिलाड़ी हैं, थानों की दलाली करते थे, तहसीलों को गिरवी रखते थे, संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गुंडागिरी को बढ़ावा देते थे, और प्रदेश का खजाना लूट करके इनके हवाले करोगे, एक गरीब के मुंह से उनका निवाला छीन करके इन लोगों को दोगे। हमने उसे बंद किया, फिर सर्वे करवाया। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रही है। आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया, और इस समय 2,54,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश हर साल 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में दे रही है। यानी अब तक उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे सीधे जा चुकी है। 5,00,000 नौजवानों को हमने नौकरी दी, सरकारी नौकरी, जबकि आप सपा बसपा की सरकार के पूरे कार्यकाल को जोड़ लेंगे 10 वर्ष में 1,90,000 नौकरी, हर नौकरी विवादित थी, बिना लेन देन के कोई नौकरी नहीं लगी थी। रोजगार और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य स्वतः रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी को रोजगार तब मिलता जब निवेश होता, पहले निवेश की कोई संभावना ही नहीं थी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कोई भी सरकार आए कि इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको भिगाते हुए देखा होगा। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए,
आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। काशी का देव दीपावली हो, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, या तो उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये परिवर्तन पहले क्या था आज क्या है इसको बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। भाइयों बहनों यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया किया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां थी, आबादी में नंबर एक पर, लेकिन इकोनॉमी छठे स्थान पर, सातवें स्थान पर। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के बराबर थी और 2017 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय से आधी से भी कम रह गई थी, उससे काफी कम हो गई थी, उससे एक तिहाई पे आ गई थी। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है और उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है और डबल इंजन की सरकार का लाभ गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, इन सबको प्राप्त होता रहे। उत्तर प्रदेश विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया है यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी सभा में आई है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं जो लोग यहां पर मीडिया के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को विशेष रूप से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। खासतौर पर यहां पर आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रेम जी हैं, संजय मयूख जी हैं और उत्तर प्रदेश से भी हमारे मीडिया के प्रभारी मनीष जी यहां पर हैं और भी जो यहां इस क्षेत्र के हमारे मीडिया के प्रभारी पांडे जी हैं, समीर सिंह जी हैं, मनीष जी हैं, ये सभी लोग लग करके इस कार्यक्रम को करेंगे। यहां पर आपको पूरी सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे और बाकी जो बचेगा उसमें रवि किशन जी आपके साथ में है, इसलिए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।